आप सभी लोगों ने इतिहास पढ़ा होगा और आपने देखा है कि मानव ने इस अभी का मानव बनने के लिए लाखों साल की आप देखिए कि उनका संघर्ष रहा है, तब जाके आज जो आप लोग वर्तमान मानव देखते हैं ना, इस कंडीशन में पहुंचा है। यानी कि उनने काफ़ी लंबा संघर्ष किया है और मुझे लगता है कि आजकल आप देख रहे हैं कि एक तरह से हमारा संघर्ष ही शुरू हो गया है। नई नई बीमारियाँ आ रही हैं, नए नए आपके वायरस आ रहे हैं। आप देखिए कि हमारा एक तरह से वायु प्रदूषण की आप लोग सुनते रहते हैं, जल प्रदूषण की आप लोग सुनते रहते हैं। कोरोना महामारी में भी आप लोगों ने देखा है कि आपकी पहली वेव आई, सेकेंड वेव आई, अब थर्ड वेव आने की बात हो रही है, और भी नए नए वायरस आने की बात हो रही है। कोरोना वायरस के ही आप लोग वेरिएंट देख लीजिए, अल्फा, बीटा, डेल्टा, डेल्टा प्लस, और ना जाने कितने नए नए आ रहे हैं सामने। तो अब सीधी सी बात यही है कि सरकारों पर निर्भर कम ही रहें, आप अपनी सुरक्षा खुद रखें, तो मुझे लगता है कि आप सुरक्षित भी रहेंगे। और आने वाले दिनों में आप लोग देखिए कि इस मास्क और इस तरह की सुरक्षा को एक अपनी दैनिक जीवनचर्या का हिस्सा बना लीजिए। समझ रहे हैं आप लोग? अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि अमेरिका ने नाइजीरिया से यात्रा करने वाले लोगों की निगरानी करनी शुरू कर दी है, क्योंकि उनको डर है कि लोग मंकी पॉक्स से संक्रमित व्यक्तियों के संपर्क में आए हो सकते हैं। और आप देखिए कि हर देश अब बड़े सचेत है, बड़ा चिंता में है, क्योंकि आपने देखा है कि कोरोना महामारी में देखा है कि एक देश में आया पहले, फिर किस तरह से पूरी दुनिया में फैल गया और हाहाकार मच गई। और इस तरह के टॉपिक एक बात और याद रखा करिए, आपकी परीक्षाओं में भी क्वेश्चंस आते रहते हैं, और मैं कहता हूँ क्वेश्चन सभी ना भी आए तब भी आप लोगों को ऐसे टॉपिक के बारे में मालूम तो होनी चाहिए। मंकी पॉक्स के बारे में अगर हम बात करें तो यह एक वायरल जोनोटिक रोग जानवरों से मनुष्यों में संचरण होने वाला रोग है। यानी कि आप देखेंगे कि जानवरों से मनुष्यों में भी फैल सकता है, समझ रहे हैं? और बंदरों में चेचक जैसी बीमारी के रूप में पहचाना जाता है, इसलिए आप देखते हैं कि इसे मंकी पॉक्स नाम दे दिया जाता है। और यह याद रखिए, यह नाइजीरिया की स्थानिक बीमारी है। और आप भी देखते हैं कि आपके आसपास भी काफ़ी बंदर रहते हैं, तो आप समझ सकते हैं। यह रोग मंकी पॉक्स वायरस के कारण होता है, जो पॉक्स विरिडे फैमिली में आर्थो पॉक्स वायरस जीनस का सदस्य है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, पूछ सकता है, ठीक है? वायरस का प्राकृतिक स्रोत अज्ञात है, लेकिन इसे कई जानवरों में पाया गया है। मंकी पॉक्स वायरस के स्रोत के रूप में पहचाने जाने वाले जानवरों में आप देखेंगे बंदर हो गया और वानर, विभिन्न प्रकार के कृंतक यानी कि चूहों, इनमें आप देखेंगे गिलहरी, प्रहति कुत्तों, खरगोश, इनमें भी ये देखा गया है। और याद रखिए, आपको कहा नाइजीरिया का स्थानिक बीमारी है। पहले तो आपने कोरोना महामारी भी तो देखी होगी, चाइना की एक तरह से आप कह सकते हैं कि स्थानिक ही बीमारी थी, बाकी देशों में वहीं से फैली है। तो इसका भी फैलने में अगर इस पर भी हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया देशों ने, तो इसमें कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसे सर्वप्रथम 1958 में कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में बंदरों में और वर्ष 1970 में मनुष्यों में पाया गया था। सबसे पहले आप देखेंगे कि 1998 में, 1958 में, 98 में नहीं, ये बंदरों में, उसके बाद आप देखेंगे कि 1970 में मनुष्यों में भी देखा गया। नाइजीरिया ने वर्ष 2017 में पूर्व में पुष्टि किए गए मामलों के वर्ष 40 वर्ष बाद सबसे बड़े प्रकोप का अनुभव किया। इसके बाद देखेंगे आप लोग कई पश्चिमी और मध्य अफ्रीकी देशों में भी इस बीमारी की सूचना मिली, यानी कि आप कह सकते हैं कि यहाँ से फैलना शुरू हुआ। इसके अगर हम लोग लक्षण की बात करें कि कैसे आपको मालूम चलेगा, तो आप देखेंगे इसमें संक्रमित लोगों में चिकन पॉक्स जैसे दिखने वाले दाने निकल आते हैं। चिकन पॉक्स आप लोग इन्हें छोटी माता, बड़ी माता भी कहते हैं, एक तरह से गांव की तरफ आप देखते होंगे, देसी भाषा कह सकते हैं आप लोग। लेकिन मंकी पॉक्स के कारण होने वाला बुखार, अस्वस्थता और सिरदर्द आमतौर पर चिकन पॉक्स के संक्रमण की तुलना में गंभीर होते हैं। रोग के प्रारंभिक चरण में मंकी पॉक्स को चेचक से अलग किया जा सकता है, क्योंकि इसमें लिम्फ ग्रंथि बढ़ जाती है। और याद रखिए, अगर कोई भी आप लोगों को इस तरह का डाउट होता है, कभी भी इसकी बात नहीं कर रहा हूँ मंकी पॉक्स, और भी कोई अगर आप अस्वस्थ रहते हैं,
तो आप लोग डॉक्टर को ज़रूर दिखा लिया करिएगा, इसमें आप लोगों को लापरवाही नहीं बरतनी है, वरना आप देख रहे हैं कि इसके परिणाम भी गंभीर देखे जा रहे हैं। इसकी अगर हम लोग संचरण की बात करें तो प्राथमिक संक्रमण किसी संक्रमित जानवर के रक्त, शारीरिक तरल पदार्थ या त्वचीय या फिर आप देखेंगे म्यूकोसल घावों के सीधे संपर्क के माध्यम से होता है, और संक्रमित जानवरों का अपर्याप्त पका हुआ मांस खाना भी जोखिम का कारण बनता है। कोरोना वायरस के बारे में भी आप लोगों ने देखा है ना, कोविड-19 के बारे में, इसके बारे में भी तो ऐसा कहा गया कि जानवरों से ही, एक तरह से पक्षियों से, किसी ने कहा था, आपने देखा होगा कि चमगादड़ों से, चाइनीज लोग क्या हैं कि इन्हें खाते हैं चमगादड़ को, तो इसीलिए लोगों में ये ट्रांसफर हुआ, उसके बाद फैलना शुरू हुआ। मानव से मानव संचरण का कारण संक्रमित श्वसन पथ स्राव और संक्रमित व्यक्ति की त्वचा के घाव से या रोगी या फिर घाव से स्रावित तरल पदार्थ द्वारा दूषित वस्तुओं के निकट संपर्क हो सकता है। और संचरण टीकाकरण या प्लेसेंटा जन्मजात मंकी बॉक्स के माध्यम से भी ये हो सकता है, किसमें, मानव में, ठीक है, इस तरह से ये फैल भी सकता है आपका। इसमें अगर संवेदनशीलता की बात करें हम लोग तो यह तेजी से फैलता है और संक्रमित होने पर 10 में से एक की मौत का कारण भी बन सकता है, यानी कि आप समझ रहे हैं, अगर 10 लोगों को हुआ है तो एक उसमें से ख़त्म भी हो सकता है, उसकी डेथ भी हो सकती है, इतना खतरनाक बना हुआ है। अगर हम लोग इसके उपचार और टीका की बात करें तो मंकी पॉक्स संक्रमण के लिए कोई विशिष्ट उपचार या टीका उपलब्ध नहीं है अभी तक। अतीत में मंकी पॉक्स को रोकने में चेचक रोधी टीके को 80% प्रभावी दिखाया गया था, कितना, 80%, 85। 1980 में दुनिया को चेचक से मुक्त घोषित कर दिया गया था, इसलिए यह टीका अब व्यापक रूप से उपलब्ध नहीं है। वर्तमान में आप देखेंगे मंकी पॉक्स के प्रसार को रोकने के लिए कोई वैश्विक प्रणाली मौजूद नहीं है। और आपने देखा होगा कि कोरोना वायरस जब शुरू में फैलना शुरू हुआ तो उस समय भी आपने देखा है ज़्यादा देशों ने ध्यान भी नहीं दिया था, इसी का कारण रहा है कि तेजी से फैला भी है, क्योंकि एक देखिए WHO हो आपका, इनके पास भी कोई, आप देख सकते हैं कि कोई नीति ही नहीं थी, उसी का परिणाम रहा है कि तेजी से फैला, समझ रहे हैं। इसमें आगे की अगर हम लोग राय की बात करें तो बेहतर निगरानी और प्रतिक्रिया और बीमारी के बारे में जागरूकता बढ़ाना और जंगलों और जानवरों विशेष रूप से बंदरों के संपर्क से बचना। कोई भी जानवर जो संक्रमित जानवर के संपर्क में आया हो उसे क्वारंटाइन किया जाना चाहिए, मानक सावधानियों को ध्यान दिया जाना चाहिए और 30 दिनों तक मंकी पॉक्स के लक्षणों का परीक्षण करना चाहिए। अन्य बीमारियों पर भी ध्यान देना जरूरी है। स्थानिक लोगों से संबंधित रिपोर्ट किए गए मामलों की संख्या में गिरावट आई है, क्योंकि लोग कोविड-19 के कारण अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं की देखभाल नहीं कर पा रहे हैं। और याद रखिए, अब आप देखिए, आप लोगों ने बाकी किसी बीमारी से मौत सुनी है इस कोरोना महामारी के समय काल में आपने देखा है, क्योंकि एक तरह से आपका ध्यान हटके कोविड-19 पर आ चुका है, समझ रहे हैं, तो बाकी बीमारियों पर आपने देखा है लोगों ने ध्यान कम कर दिया है, तो इसी कारण आप देख सकते हैं कि इसमें भी अभी गिरावट मानी जा रही है, लेकिन जैसे ही कोरोना वायरस खत्म होगा आपका ध्यान उस तरफ जाएगा, तो हो सकता है कि संख्या में बढ़ोतरी भी हो, ये भी देखने को मिल सकता है। तो खैर, इतना ही कहूँगा कि आप किसी भी तरह से अपनी सुरक्षा बनाए रखें, क्योंकि कोई किसी को फर्क नहीं पड़ता है। आपने देखा है कि आपके नेता हो, आपकी सरकार हो, बड़े मतलब एक तरह से मजाक वाले जवाब देते हैं कि ऑक्सीजन से किसी की डेथ नहीं हुई है, ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं थी, और बाकी आप देखते रहते हैं कि उन्हें तो अपने बयानबाजी से शुरू होती है। और एक तो बात सही है कि उनका मेंबर थोड़ी गया है, आप देखिए कि जिस परिवार ने किसी अपने मेंबर को खोया, शायद वो इस कोरोना महामारी की आप समझ सकते हैं कि कारण जान सकता है, मतलब दुख जान सकता है, इसका परिणाम उसे क्या मिला है वो जान सकता है इसका। बाकी नेताओं की तो बयानबाजी चलती रहती है और चलती रहेगी, एक नेताओं की बात नहीं कर रहा हूँ, सभी के यही हाल हैं, बेसरमई जो आप उनमें होती है वो खुल के दिख भी रही है, ठीक है। और आप सभी लोगों ने देखा भी है,
ऑक्सीजन की कमी तो आपने देखा होगा, कई तस्वीरें आपके सामने भी आई होंगी, सोशल मीडिया पर भी आई होंगी, लेकिन फिर भी नकार दिया उन्होंने। तो खैर छोड़िए, अभी क्या कर सकते हैं हम लोग, जो चुनते हैं उन्हें उसी का परिणाम भी भुगत रहे हैं। खैर आप लोग अपनी सुरक्षा बनाए रखिए, और आप लोग वैक्सीन भी लगवा लीजिएगा, और परिवार को भी वैक्सीन लगवा लीजिएगा। और मैं तो कहता हूँ वैक्सीन लगवाने के बाद भी आप मास्क लगा के रखिए, अपनी पूरी सुरक्षा बनाए के रखिएगा, समझ रहे हैं आप लोग। क्योंकि ये भी सुनने में आ रहा है कि वैक्सीन लगने के बाद भी लोगों को कोरोना हो रहा है। आप देखिए वेटेन मेटेन में आपने सुना होगा कि 40-46% लोगों को वैक्सीन लग गई थी दोनों डोज, उसके बाद भी कोरोना हुआ है उन्हें। तो आप समझ सकते हैं, क्योंकि ये अपना मतलब रूप बदलता रहता है, तो हर रूप पर ये वैक्सीन सफल हो ये कहना मुश्किल रहता है। और एक वैक्सीन आप देखिए कि हर वैक्सीन 100% रिजल्ट दे, ये भी कहना गलत है, क्योंकि पूरी तरह से 100% रिजल्ट कोई भी वैक्सीन कभी नहीं देती है। ठीक है, पढ़ते रहिए, अपने सुरक्षित रहिए।